आप नहीं, आप जानते नहीं समस्या क्या, समस्या निकालेंगे कैसे, समाधान कैसे करेंगे, आपको समस्या नहीं दिख रही है। कितने साल से समस्या? 10-12 साल हो गए गुरु जी, 10-12 साल हो गए थे गुरु जी। खूब चिकित्सा कराई? चिकित्सा कराया ना, 1 साल हो गया लगभग है गुरु जी, सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया गुरु जी। बाहर खूब चिकित्सा कराई पहले? बहुत सारी चिकित्सा करवाई गुरु जी, सारी दुनिया में घूम लिए, कहीं ठीक नहीं हुए गुरु जी, बस दरबार में आकर ठीक हुए गुरु जी। तो बाल तो बड़े बड़े हो गए तुम्हारे गुरु जी, हम हरियाणा से रोहतक से आए हैं। खूब खड़े रहे, क्या बात है, हीरो आ गया, खुश रही। पति देव नहीं आए? कहाँ है, आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ यार, खुश रही। कब आए थे आप लोग? हमें 6 तारीख को आए थे गुरु जी। अच्छा, 6 तारीख से यही हो तुम लोग, दिखे नहीं हमें। यही थे गुरु जी, आप बाहर गए थे उस दिन आए थे जी हम। अच्छा अच्छा, हम 2 दिन के लिए चले गए थे धौलपुर, ग्वालियर वालियर, थोड़ा नोएडा वोडा, जहाँ दरबार बन रहे हैं तो थोड़ा वहाँ। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम आपको, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्या हाल है गुरु जी? हमने तो वनडे ऑन किया हुआ है जी। हाँ, बच्चे के 9 ऑन करवा दिए थे गुरु जी। अच्छा किया, हम सोच रहे हैं इसको अपने DNA में ले लें गुरु जी। अच्छी बात, और इस वाले वन है अपनी माता को दे दें। अच्छा है, हो जाएगा गुरु जी ऐसा? बिल्कुल हो जाएगा, यही करना चाहते हैं गुरु जी। हो जाएगा बेटा, और माता का आरोग्य वन कर दे, करवा देंगे गुरु जी। बहुत अच्छा, उनके दर्द ठीक हो जाएंगे गुरु जी। बिल्कुल हो जाएंगे, माँ भी अच्छे रहेंगे, ये आशीर्वाद है। कोई कष्ट हो तो बताइए जी। बिल्कुल बढ़िया है जी, इनको तो जरा बाल तो बड़े हो गए, अब तो बहुत सुंदर लग रहे हो गुरु जी। हम माता का मठिया से आए थे ना, 1 महीने मैंने पूरा भाग भाग के काम किया, और फिर पता नहीं मतलब आरोग्य, ये मारन का वो खुला ना, तब से थोड़ी थोड़ी कष्ट बने ना, तो मेरे से काम होता। जब मारन का ये शक्ति खुली माँ के महापर्व के बाद, तो रहते हैं ही हैं, ये गंदगी रहती सभी में रहती, कोई ऐसा खाली नहीं संसार में जिसमें ना हो, तो अंदर की चीज़ें हिलोरे मारती कि हमको भी निकालो। अब आपने इसे आरोग्य कर लिया, फर्स्ट क्लास, अब कोई कष्ट किसी प्रकार के नहीं है। ये जब आई थी तो इनको लगता था अभी यहीं मर जाएंगे, बस ये लगता था इनका पेट ये फटने वाला, इतना फूलता था पेट इनका, फूल जाता था, इतना फूलता था, इतना बड़ा था गुरु, इतना फूल जाता था पेट, बस लगता ये फटने वाला, बस अभी बढ़ जाएगा, हवन करते करते लगता था ये फटने वाला है, फट तरबूज तरह फट जाएगा अभी, ऐसा लगता था, ऐसा ही लगता था गुरु जी। और इन्होंने वन डे हवन किया 1 ही दिन में, अगले दिन ठीक। और ये कब से था, कितने साल से था? पिछले साल किया था गुरुजी। नहीं, कितने साल से था आपको ये समस्या? वो तो पता ही नहीं गुरुजी, मैं बहुत दिनों से। ये बताएंगे पति देव आपके, कितने साल से समस्या? 10-12 साल हो गए गुरुजी, 10-12 साल हो गए थे गुरुजी। और खूब चिकित्सा कराई? चिकित्सा कराया ना, 1 साल हो गया लगभग है गुरुजी, सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी। बाहर खूब चिकित्सा कराई पहले? बहुत सारी चिकित्सा करवाई गुरुजी, सारी दुनिया में घूम लिए, कहीं ठीक नहीं हुए गुरुजी, बस दरबार में आकर ठीक हुए गुरुजी। आए पहले दिन उन्होंने ट्रीट कराया, पहले 1 दिन का हवन होता है वो, 1 दिन वाला शक्ति है दरबार की, वो भी 1 ही दिन में ठीक हो जाओ। 1 ही दिन में आए, इन्होंने हवन किए, जो भी दरबार के नियम पालन किए, अगले दिन संकल्प किया, और ये फिर बनी रही यहाँ, मस्ती लेती रही, बाल खुलवा दिए, आज जाने का मन नहीं करा गुरु जी कहीं दुनिया से, और अब भी नहीं करा, अब बच्चे के पढ़ाई की वजह से जा रहे हैं गुरु जी, कोई बात तो मन नहीं करा था जाने, कोई बात नहीं, ये लोग आज तो बने रहते हैं फिर दरबार में, ऐसे ही लगता है प्राण निकल जाएंगे, फट जाएगा पेट, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ और था, जो आसुरी शक्तियाँ रहती उनके गर्व थे इनके पेट में, हजारों गर्व थे इनके पेट में, जो पल रहे थे वो हिलोरे मारते थे, बस कैसे निकालो, निकालो सूक्ष्म जगह थे, सूक्ष्म संसर्ग हो गया, सूक्ष्म पैदा हो गया, सब में रहते हैं, औरतों बच्चियों सब में भरे रहते हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं आती थी, हाई कोर्ट की वकील आई थी, वो ऐसा उनका पेट फूला, क्या है, बच्चा है 9 महीने का, अंदर बच्चा चल रहा है, घूम रहा है, लाते चला रहा है, हाथ पैर चला रहा है, हमने कुछ है ही नहीं तुम्हारे पेट में, हाई कोर्ट के वकील हैं, और खड़े खड़े उनका पेट पिचका दिया, पिचक गया, अंदर चला गया, कुछ था ही नहीं। तमाम बच्चे आते हैं, महिलाएं बच्चियां आती हैं, पेट फूले हुए हैं, माँ बाप सोचते हैं लड़की हमारी गंदी है, हम कहते हैं तो अच्छी है। हाँ, अभी एक सरदार जी आए थे दिल्ली से, बेचारे
38-40 साल से उनका पेट फूला रहता था, स्तन उनके बड़े बड़े हो जाते थे, दो बार कटवा चुके अपने स्तन, अपने स्तन दो बार वो कटवा चुके, बड़े बड़े हो जाते थे स्तन और पेट ऐसे फूला रहता था और लगता था उनके सब बच्चे पेट में, और उनको लगता था कि अंगीठी ऊपर जल रही उसकी राख गरम गरम। आप लोग सामने आए कभी सरदार जी? वो आए थे गुरु जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो गिरते रहते थे, बेचारे तड़पते रहते थे। इस समय उनकी उम्र जब आए थे 62-63 साल थी। हाँ गुरु जी। तो बोले मैंने मान लिया गुरुदेव कि अब ऐसा ही मरना है, क्योंकि कोई दुनिया में जगह छोड़ी नहीं जहाँ गए नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, जितने अपने को तीरंदाज बनते हैं देश में सब जगह गए। और बोले हमने करोड़ों रुपये खर्चा कर दिया, लाखों नहीं करोड़ों खर्चा किया। बोले गुरुदेव यहाँ आके सब समाप्त हुआ है, अब कुछ नहीं है। तो जब तक गंदगी रहती है आप नहीं, आप जानते नहीं समस्या क्या, समस्या निकालेंगे कैसे, समाधान कैसे करेंगे, आपको समस्या नहीं दिख रही है। यहाँ तो जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे देख रहे हैं सभी, ये जो तमाम बैठ गए देख रहे हैं भाई, उनको ये दिखाई देता है सुनाई देता है, मार ढिंडोरा पीटता है, उनसे 100 गुना बच्चे देखते हैं, भूत भविष्य सब देखते हैं। ये सब पीड़ित बच्चे हैं जो पीड़ा में थे कभी, आज स्वस्थ होकर के सेवा में, जब दरबार इनको शक्ति देता है तो देखते हैं, शक्ति वापस ले लेता है देखना बंद हो जाता है। ये तो स्विच है ऑन ऑफ। ऐसे ही है। तो अद्भुत ये है कि आप में श्रद्धा होती है, आस्था होती है दरबार के प्रति, विश्वास होता तो ही आप स्वस्थ होते हो जल्दी से, अन्यथा फिर आप तो इधर भी चार पैर मारोगे, ये भी थोड़ा कर लें, थोड़ा इसको भी पूज लें, थोड़ा उधर ही पूजा कराएं, थोड़ा उसका भी जप करावें जाके, थोड़ा उससे ठीक हो जाएंगे, थोड़ा उनसे ठीक हो जाएंगे, थोड़ा इनसे भी हो जाएंगे, कभी ठीक नहीं होते। देखते हो आते हैं पुण्य चले जाते हैं, जहाँ करी जाके बाहर ओम लोम डोम पुण्य गए, दरबार के दरबार छोड़ देता है आपको, जाओ ठीक हो जाओ जाके जहाँ जाना, क्योंकि आप गंदगी इन्वाइट करोगे दरबार छोड़ देगा आपको, रुकेगा नहीं दरबार आपके पास, दरबार की शक्तियाँ वापस। आप ये सब श्रद्धा से भरे हुए दरबार का ही करते हैं, कुछ करते नहीं। बढ़िया बेटा, आंखें बंद करो एक बार गुरु जी, थोड़ी खुजली रहती है उंगली में गुरु जी, उंगली में खुजली अभी चली जाएगी, आंखें बंद करो, आंखों में खुजली जिसकी भी स्मृति जिस शरीर की नष्ट कर दी जाए, शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दे, सबका भ्रम नष्ट किया जाए, सूजन नष्ट की जाए और बैलेंस नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, अपना बंधन खींचे तीन बार, खुश रहिए, आप खुजली नहीं है, चेक कर लो गुरु जी, पेट कम हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ वो कम, पतले होने की स्मृति दरबार ने सब में डाल रखी है, ऑटोमेटिक कर रखा है। जितने मोटे लोग आते हैं आप देखते हो, लोग पतले हो जाते हैं बाद में, देखते हो ना, ठीक है, मोटे लोग आते हैं कैसे पतले हो जाते हैं। ये माता जी का फोटो करो जी। वो बाद में करना संकल्प, उसका संकल्प होगा डीएनए का, ऊर्जा पथ का। अच्छा ठीक है, शाम को करा लेने लोग, करा देंगे लोग गुरु जी, करा देंगे। हम तीनों को नींद बहुत आती है, मेरे को ऐसा कर दो 4 बजे के बाद नींद ना आए सुबह। 4 बजे मतलब कब? सुबह 4 बजे के बाद उठना है 4 बजे। हाँ, और माला करती हूँ ना गुरु जी, तो ध्यान इधर उधर भागता है, कभी वो ये चीज याद आ गई, कभी कितने वो बजे सोते हो? रात को लेट नींद आती है मेरे को, कम नींद आती है गुरु जी। कितने बजे सोते हो? 11 बज जाते हैं गुरु जी। 11 तो बहुत लेट थोड़े ना। आंखें बंद, आंखें बंद कर ले। इनकी रात्रि सभी लोगों की 11 बजे की निद्रा का समय निर्धारित किया जाए, और सुबह 4 बजे 10 बजे किया जाए समय, 10 बजे निद्रा का समय किया जाए निर्धारित रात्रि में, और गहरी निद्रा दी जाए इनको, और गहरी निद्रा दी जाए रात्रि में, और गहरी निद्रा दी जाए, और गहरी, और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे निद्रा नष्ट कर दी जाए, आंखें खोल दीजिए स्वतः। बैलेंस फर्स्ट क्लास, ये स्मृति आगे रखी जाए सोते समय, जागते समय बैलेंस सक्रिय रखी जाए, निद्रा का प्रभाव हटा दिया जाए।